अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन चना राइस, बहुत ही इजी वे में। और ये है बहुत ही न्यू रेसिपी, ये मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, और मैं ऐसे ही पसंद करती हूँ ये खाना। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह, बिना टाइम वेस्ट किए। ये लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स चिकन की यखनी और फाइबर्स बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ली है एक पतीली, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 kg चिकन। चिकन के मैंने पीस नहीं करवाए, इस तरह फाइबर जो है बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 लहसुन के जवे। ये मैंने लिए छोटी प्याज, इसके मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, यह है 1 teaspoon। यह है हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon। ये दी है मैंने सौंफ 1/2 teaspoon। ये दी मैं सूखी धनिया 1 teaspoon। ये दी है मैंने अजवाइन 1 चुटकी। इसमें मैं पानी के मग ऐड कर दूंगी 3 इसी साइज के, और इसे कुक करूंगी 1/2 आवर के लिए। ये ली है मैंने इंग्रेडिएंट्स चावल को तड़का लगाने के लिए। ये है यखनी जो मैंने निकाली है चिकन से। ये है जी फाइबर्स जो मैंने चिकन के फाइबर्स कर लिए हैं। और ये है थोड़े से बॉयल चने, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया, इसको मैंने बस 40% बॉयल किया। मैंने ली है एक पैन, पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याली ऑयल की। और उसके बाद मैं ले रही हूँ प्याज लंबी शेप में कटे हुए, ये है मीडियम साइज़ के 2। और फ्लेम आपने रखनी है लो से मीडियम, और इसको हम कर लेंगे फ्राई थोड़ा सा। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने आज बने लाइट कलर के राइस हल्के फुल्के से और न्यू टेस्ट में, ताकि आप जो खाएं उसको मज़े की बने लगे और आपको अच्छा लगे। चलिए जी, प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ लहसुन का पेस्ट, ये लिया मैंने 1 टेबल स्पून। लहसुन डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है, ताकि इसमें लहसुन की जो स्मेल वो ना रहे। इसको भी मैं ऐसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी लगा सकते हैं। लहसुन यहाँ अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले लिया है लाल मिर्च का, लाल मिर्च लिया है, लाल मिर्च आप लेनी है 1/2 teaspoon, क्योंकि मैंने इसमें जो है वो पिसी हुई डालनी है सब्स मिर्चें। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है 1/2 teaspoon। ये लिया है मैंने धनिया पाउडर 1 teaspoon। ये लिया मैंने जीरा 1 teaspoon। जीरा मैंने यहाँ सफ़ेद लिया है। ये मैंने लिया गरम मसाला 1 स्टिक ली है, 4 से 5 लौंग लिए हैं, और 5 से 6 काली मिर्च। और ये लिया मैंने सॉल्ट, सॉल्ट मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून। आप हंसमी जायका भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी फ्राई 2 मिनट के लिए। मसाला डालते ही बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह हमारी राइस भी बहुत ही मज़े की बनेगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इन्हीं स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है, आपकी राइस भी बहुत ही अच्छे बनेगी इंशाल्लाह। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटोज। टमाटोज मैंने यहाँ लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए, और इसको आपने लो फ्लेम पे गालना है, और आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर लें और लिख भी दे सकते हैं। टमाटोज यहाँ अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और यहाँ मैंने लिया है सब्ज मिर्च का पेस्ट, यह है 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस तरह आपके जो राइस का कलर है वो भी डार्क नहीं होगा रेड मसाले से, और आपको मसाला का टेस्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह इससे ग्रीन चिलीज से। अदरक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 प्याली योगर्ट की।
दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं और जो हमारा थोड़ा मटेरियल रह गया था वो अच्छे से भून जाए। दही अच्छे से भून चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन के फाइबर्स। इस तरह आप बनाइएगा, ये न्यू वे है, इससे आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे राइस। फाइबर्स को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो सारे मसाले हैं वो फाइबर्स में चले जाएं, इनका टेस्ट जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। फाइबर्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें हाफ जो कुक चने थे हमारे वो मैं इसमें डाल दूँगी, और मैं थोड़ा सा इनको भी फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि इनके अंदर जो हार्डनेस है थोड़ी सी वो सॉफ्ट में आ जाए और दम में जब गलें तो हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यखनी। यखनी जब मैंने निकाली थी, इससे जो आपके राइस का जो सारा टेस्ट है डिफरेंट राइस से बहुत ही अच्छा बनता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। यखनी डालने के बाद आपने फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है और अच्छे से इसको करना है मिक्स। यखनी को डाल देने के बाद इसमें आपने आने देना है बॉयल। देखिए यहाँ कितने अच्छे से बॉयल आ रहे हैं, और बॉयल आते ही आपने इसमें ऐड कर देने हैं राइस। राइस मैंने यहाँ लिए हैं 1 kg, और इसमें आपने राइस डालने के बाद अच्छे से करनी है स्टिरिंग, ताकि जो हमारे राइस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए मिक्सचर में। और आपने इसी पॉइंट पे इसका जो सॉल्ट है वो टेस्ट करना है, कम या ज़्यादा आप इसी पॉइंट पे देख सकते हैं। पानी देखें यहाँ थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, इतना ही पानी आपका रहना चाहिए, और आप इसी पॉइंट पे आपने इसको देना है दम। दम पे लगा दें आप इसको इसी पॉइंट पे। और चलें जी, 20 मिनट्स हो चुके हैं, इंतजार की घड़ियाँ हुई हैं ख़त्म। अब हम इसका दम खोलेंगे। देखें जी, वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, जैसे ये बनाए थे वैसे ही बने हुए हैं, ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, और ये बहुत ही लाइट होते हैं। आप इनको इनटेक कर सकते हैं, अगर कोई मतलब पेशेंट हैं आप उनको भी थोड़े से टेस्ट करवा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट, ताकि हम इसको अच्छे से सजा के आपको दिखा सकें। चलो जी, ये है जी हमारी फाइनल लुक हमारे चिकन चना राइस की। आप इसके ऊपर सैलेड लगा सकते हैं, आप किसी तरह डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ पुदीना और दही को बनाना मत भूलिएगा।